क्यों बे? क्या गलत किया? क्या दुश्मनी थी मेरे बेटे के साथ? क्या गलत किया उसने? अरे तुम्हारी बहना को इसीलिए तो उठाया ना कि मसला तो कोई जाता है ना, तो क्या गलत किया? बोल क्या गलत किया? मार, जितना मारना है मार। बाद में ये मत बोलना कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया। अरे तुझे ऐसे हलाल करूंगा ना कि दुनिया देखती रह जाएगी, समझा? ये 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 लीजिए सर। बोल बोल दुग्धा बोल, बाद में तुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अरे तुम्हें बोलने का मौका दूंगा तब तो बोलेगा ना। तू मुझे चैलेंज कर रहा है? एक गृह मंत्री को चैलेंज कर रहा है? ये ए, तेरी बहन को उठाया ना, अब तेरी मैया को उठा लाएंगे, समझा? तेरी हद पार हो गई, अब मैं दिखाता हूँ मेरी हद। चंद्र बाबू, चंद्र चंद्र बाबू, ये हम क्या कर रहे चंद्र बाबू? अरे अरे हमने तो आपसे मजाक किया था चंद्र बाबू। नहीं चंद्र बाबू ऐसा मत कीजिए, हम आपके पांव पड़ते हैं। अबे तेरे एक मजाक के चक्कर में 5 लोगों की जान चली गई। सिर्फ कॉलेज देखा है, लॉकअप और जेल नहीं देखा? नहीं चंद्र बाबू नहीं। अबे मेरे दादाजी को छोड़ा था तूने? अबे आजादी की लड़ाई में बंदूक लेके भागे थे? तो सुन, जब तक इस देश में तेरे और दुग्धा यादव जैसे नेता और पुलिस वाले पैदा होते रहेंगे, तब तक मेरी ये बंदूक गरजती रहेगी। जाओ पत्थर हटाओ वहां से।
उठो बेटा। चंदर एक बात याद रखो, संभावनाओं का कोई अंत नहीं होता, संभावनाओं में पूर्ण विराम नहीं होता। तुम्हें इस देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिलाना है, इसके लिए तुम्हें चंद्रगुप्त बनना होगा, हर उस घर में दिया जलाना होगा जहां सदियों से अंधेरा है। हमें संविधान में वो प्रावधान लाना होगा जिसमें राष्ट्र के सभी संस्थानों पर सभी का बराबर अधिकार होगा। देश की वितरण प्रणाली को ठीक करना होगा। आओ हम सब कसम खाते हैं कि जब तक हम हर नागरिक को समानता का अधिकार नहीं दिलाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। उठ जागरे साथी देख जरा, उठ जागरे साथी देख जरा, सुरभि से सवेरा होता है। जब जाग चुकी है दुनिया तो, जब जाग चुकी है दुनिया तो क्यों उड़ के चादर सोता है। उठ जागर साथी देख जरा, सुरभि से सवेरा होता है। जब जाग चुकी है दुनिया तो, जब जाग चुकी है दुनिया तो क्यों उड़ के चादर सोता है। उठ जागर साथी देख जरा, हो हो। नहीं अत्याचार हम करते, ना खून खराबा पेशा है, हंस के दो या लड़ के लेंगे, यही हमारा संदेशा है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, अत्याचार मिटा देंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, अत्याचार मिटा देंगे। जिंदगी और मौत का फर्क मिटा देंगे, औकात पर अगर आ गए औकात बता देंगे। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जागरे साथी देख जरा, सुरभि से सवेरा होता है। जब जाग चुकी है दुनिया तो, जब जाग चुकी है दुनिया तो क्यों ओढ़ के चादर सोता है। उठ जागरे साथी देख जरा, इसको उठा ऊपर, इसको उठा आगे देख। मम्मी, हम बोले थे ना हमें डर लगता है, हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा। हाथ दे, हाथ दे। तुम इतनी कमजोर नहीं हो जो इस बंदूक का भार भी ना उठा सको। उठा इसको ठीक से, ले यहाँ पकड़, नहीं इसको आगे कर। नहीं, नहीं, नहीं। वो है ना, वो मटका है ना, इसको थोड़ा आगे रखते हैं, कंधे पे रख। निशाना तो बिल्कुल सही जगह पे लगा है चुटकी, लेकिन घायल कौन हुआ रे, तू या ये अमरजीत? और क्यों भी अमरजीत, तुझे तो जाना था ना कहीं, गया क्यों नहीं अभी तक? जा रहा हूं ना, ले पकड़ इसको, पकड़ इसको। छुटके, शाम में मिल मेरे को। याद रहे चुटकी, हमारे संगठन में प्यार व्यार की कोई जगह नहीं है।
क्योंकि प्यार इंसान को कमजोर बना देता है और अपने लक्ष्य से भटका देता है। जानती है ना तू कैसे हालातों में जीते हैं हम? दिन रात मौत के साए में गुजरते हैं। अगर इस अमर जीत को कुछ हो गया ना कभी, नहीं, नहीं। तो पागल हो जाएगी तू। और अगर तुझे कभी कुछ हो गया तो ये अमर जीत पागल हो जाएगा, जिससे कि हमारा मिशन कमजोर पड़ जाएगा। और याद रहे कि ये कभी होने ना पाए। तू इतने पैसे कहां से लाएगा कि हम हर हाथ को हथियार देंगे? ऐसे ख्वाब देखने से बेहतर है कि इस बात को यहीं खत्म करो। और वैसे भी सेंट्रल कमेटी हमारी इस बात को नहीं मानने वाली। भय बिन होए न प्रीत, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा था। और जब तक हम उनके दिलों में भय पैदा नहीं करेंगे तब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन रुपए आएंगे कहां से? कुछ तो सोच चंदर, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो, मेरा मानना है कि अभी हमारे संगठन की वो हैसियत नहीं है। लेकिन वो हैसियत कब आएगी? 1967 से हम ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या मिला? और ये रोनी हमेशा रोते रहेंगे तो मंजिल फिर कब मिलेगी हमें? हमें हमारी मंजिल भी मिलेगी और हम सफल भी होंगे, और इसके लिए हमें किसी भी सेंट्रल कमेटी की जरूरत नहीं है। रही बात पैसों की, तो वो तो आ ही जाएंगे। कहां से आएंगे पैसे? पेड़ पे है जो तोड़ लेंगे हम। हाँ, ये जंगल हमें देंगे पैसा, ये रास्ते हमें पैसा देंगे, और यहां से गुजरने वाली हर ट्रेन हमें हथियार देगी। क्या बोलते हो कॉमरेड, कैसे देंगे पैसे ये जंगल, ये रोड और ये ट्रेन? मेरे दोस्त, पैसे तो ऐसे बरसेंगे ना कि हम संभाल भी नहीं पाएंगे। और रही बात हथियारों की, तुम्हारी मंशा मैं समझ रहा हूं चंदर, लेकिन एक बात का ख्याल रखना बेटा कि आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आम आदमी को परेशानी हुई तो दर्द मुझे होगा। और दूसरी बात यह, फिर हम में और करप्ट सिस्टम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तुम हंस क्यों रहे हो चंदर? दादा की बात का जवाब दो। कसम है मुझे लाल सलाम की, अगर मेरी वजह से किसी भी आम आदमी को एक भी खरोच आई तो तुम सब कॉमरेड मिलकर मुझे गोली मार देना, मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगी। लेकिन दादा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं मेरी वजह से कभी इस लाल झंडे के रंग को बदरंग नहीं होने दूंगा। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। मेहनत से माना चूर है हम, मेहनत से माना चूर है हम, आराम से कोसों दूर है हम, आराम से कोसों दूर है हम, पर लड़ने पर मजबूर है हम, पर लड़ने पर मजबूर है हम, पर लड़ने पर मजबूर है हम। मजदूर है हम, मजदूर है हम, मजदूर है हम, मजदूर है हम। राइफल गंज, राइफल गंज, राइफल गंज, राइफल गंज। मरने की तमन्ना रखते हैं, मिटने का कलेजा रखते हैं, मरने की तमन्ना रखते हैं, मिटने का कलेजा रखते हैं, मरने की तमन्ना रखते हैं, मिटने का कलेजा।
में कयामत कर देंगे। जिस रोज बगावत कर देंगे दुनिया में कयामत कर देंगे, जिस रोज बगावत कर देंगे दुनिया में कयामत कर देंगे। लाल सलाम, लाल सलाम। मुहिम पर जाने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। भारत का इतिहास दुनिया का सबसे प्राचीन इतिहास है, सतयुग से लेकर अब तक। सतयुग में जब भी पुरुषों ने किसी मुहिम पर जाने की सोची है तो महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया है। अगर विष्णु और महादेव ने असुरों का वध करने के लिए शस्त्र उठाए थे तो दुर्गा और काली भी पीछे नहीं रहीं, और आज के युग में भी ऐसी मिसाल है, रानी लक्ष्मीबाई। तो आप लोगों को रानी लक्ष्मीबाई बनना है और सतयुग को लाना है, समझे? कलयुग को बदलना है, फिर से सत्यु को लाना है। दनिया, दनिया ने हमारी मूवमेंट के लिए जो प्रतिबद्धता दिखाई है वो बेमिसाल है। ये इतिहास की किसी भी वीरांगना से कम नहीं है। नहीं तो अपने माथे का सिंदूर पोछ देना कोई आसान काम नहीं है। शाबाश बेटा, अब तुम्हें इनका साथ देना है, इनका साथ देते हुए लड़ना है। लाल सलाम, लाल सलाम। नैना, तुम आओ बैठो। अरे अरे नैना, नैना ये देखो मैंने एक प्लान बनाया है जिससे हमारे देश के हर हाथ में काम होगा और हर चेहरे। अरे अरे नैना, तुम सुनो, सुनो मेरी बात सुनो नैना। देखो इधर, देखो इधर, देखो ये हमारा प्लान जो है जिससे देश खुशहाल हो जाएगा। अरे नैना समझो बात को, ये जो हम कर रहे हैं ना, अगर यही सब करना होता तो बाहर की दुनिया में नहीं करता मैं। नैना ये जो एनर्जी तुम इस बात पर लगा रही हो ना, वही एनर्जी अगर तुम अपने लक्ष्य पर, अपने मिशन पर लगाओगी तो हमारा मिशन दुगनी तेजी से बढ़ेगा। नहीं चंद्र, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होता। नैना, कुछ भी नहीं होता। नैना सुनो, नैना चंद्र मेरी सुनो, मेरी बात सुनो। नैना नैना होश में आओ, नैना होश में आओ, नैना होश में आओ। सुनो नैना, देखो ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होगा और ऐसा ही होकर रहेगा। तुम समझ रही हो ना? आओ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे टेंट तक छोड़ देता हूं। चलो मैंने आप सबको बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग देने की कोशिश की है, और आप, मेरा ये मानना है कि आप सब कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। कोई शक? नहीं। गुड। और अब हमारा अगला मिशन है कि आप सब अलग अलग टुकड़ियों में बट जाएं, और यहीं इसी जंगल से हम व्यवस्था पर चोट करेंगे।
आप सबके अलग अलग इलाकों में आने वाले पुलिस स्टेशंस, उनको हम नेस्तो नाबूद करेंगे और उनके हथियारों पर कब्जा करेंगे। कोई शक नहीं। कसम जो लेनी हो तो रख दो अपने दिल पर हाथ, अपना दिल ही पवित्र गीता, अपना दिल ही कुराने पाक। ये दुनिया की जो अदालतें हैं हम उन पर जाने को तैयार नहीं, इंसाफ हमारा यहीं पर होगा, अब कोई सरकार नहीं। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। हेलो, नक्सली एरिया में जानकी की ड्यूटी लगाई है, गुड जॉब। तो सरेंडर कर दे। तुझको क्या लगता है कि हमको मार देने से, हमको खत्म कर देने से ये पूरा नक्सल खत्म हो जाएगा? बहुत गलत सोच है तेरी पुलिसियाँ। तू पहले अपनी सोच, नक्सल के बाद में सोचना। लाल सलाम। मेरी डिक्शनरी में ना कोर्ट है, ना तारीख है और ना ही जिरा है, सीधा फैसला होता है। लाल सलाम। पुलिस ने नक्सलियों के हथियारों का भारी जखीरा बरामद किया है और अब उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई और भी तेज और भी कठोर होगी। अगर वो लोग पुलिस और कानून को कमजोर समझ रहे हैं तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पुलिस और कानून अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। हेलो, यस, ओके ओके ओके, आई एम कमिंग। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक बात हमेशा जान लो बेटी, मां और मातृभूमि के लिए अगर जान भी देना पड़े ना
तो उसे कभी मत हटो। बट पापा, कभी अगर रिश्ते और फर्ज के बीच में जंग हो जाए तो? अगर रिश्ते और फर्ज में जंग हो जाए तो फर्ज हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि रिश्ता किसी एक के प्रति होता है और फर्ज करोड़ों के लिए होता है। तो अगर ऐसी कोई नौबत आई बेटी जहां आपको इस जंग से गुजरना पड़ा, तो याद रखना हर रिश्ते को फर्ज पर कुर्बान कर देना। बोलिए। हम पुलिस की इस क्रूर कार्रवाई का जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे, जिसकी धमक से दिल्ली में बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ जाएगी। लाल सलाम, लाल सलाम। के बाद नक्सलियों ने अपना जवाब एक कदम आगे बढ़ के दिया। इस नक्सली हमले में 16 जवान मारे गए हैं और साथ ही साथ नक्सलियों ने हैरतअंगेज कारनामा दिखाया है। पुलिस टीम के सब इंस्पेक्टर अर्जुन का अभी तक कोई पता नहीं चला है और ना ही उनकी लाश मिली है। मैं सीमा, कैमरामैन आलोक के साथ वन नेशन के लिए सोनभद्रा, उत्तर प्रदेश से। सोचो सावन भादो या फिर माघ पूस की रातों को, जिनके पास है कोठी बंगले समझेंगे क्या इन बातों को। तुम ही समझो, तुम ही जानो अपने इन जज्बातों को, कैसे कैसे बरसों बरस कितनी तकलीफें उठाते हैं। वो महलों में रहते हैं, हम जंगल में रैन बिताते हैं, आवाज उठाने पर अपनी नक्सलवादी कहलाते हैं। क्या कर रहे हो? अरे अरे ठोक इसको, ठोक। ठोकना होता तो वहां नहीं ठोक देते। चलो दो बंदूक मुझे, बैठ जाओ चुपचाप, बैठो। क्या लगता है तुम्हें, हम एक आजाद देश के नागरिक हैं? ये सचमुच की आजादी है जिसके कानून अंग्रेज बना गए थे? तुम तो पुलिस वाले हो, ये तो जानते ही होगे। पुलिस एक्ट सन 1858 में अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वो मजबूर हिंदुस्तानियों पर जुल्म कर सके, और इसलिए बनाया था क्योंकि वीर कुंवर सिंह ने सन 1858 में क्रांति के लिए विद्रोह कर दिया था। आज भी पुलिस जब चाहे जहां चाहे किसी को भी मार पीट सकती है, कोई उफ तक नहीं कर सकता, कोई आवाज तक नहीं उठा सकता। अगर गलती से भी किसी ने आवाज उठा दी तो उसको 6 महीने तक की जेल हो सकती थी। उनके पास है महल अटारी भरी हुई तिजोरी है, उनके पास है महल अटारी भरी हुई तिजोरी है, दो मुट्ठी अनाज हम ले ले तुरंत कहेंगे चोरी है। दौलत का नशा है उनको, पैसों की खुमारी है, कोठी पर कोठी बनाते यही उनकी बीमारी है। सच्ची बात कहें जब उनको नक्सलवादी कहलाते हैं। जरा सोचो, अगर तुम्हें किसी निर्णायक परिस्थिति में स्वयं से कोई फैसला लेना पड़ जाए तो क्या तुम ले सकते हो? नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक ऐसी मशीन हो जिसका रिमोट
सीधे उन नेताओं के हाथों में है जो तुम्हें जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तुम्हारे कार्यक्षेत्र में एक भी अपराध हो जाए तो उसका ठीकरा सीधे तुम्हारे सर पे फोड़ दिया जाता है। ये आजादी की मशाल हम अपने हाथों में तब तक उठाए रहेंगे जब तक कि इसमें समानता की बयार नहीं बह जाती, जब तक इस देश से सड़ा हुआ कानून भाग नहीं जाता। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। लोग दिन ब दिन जुड़ते जाएंगे, कारवां बनेगा और एक दिन पूरा देश इस आग में जल उठेगा और इन करप्ट नेताओं को इसी आग में जलाकर भस्म कर देगा। कॉमरेड, क्या करना है इसका? छोड़ दो इसे। देखिए मिस जानकी, बहुत आशा के साथ हमने आपको यहां बुलाया है। आप में वो दम है, सूझबूझ है, साहस है, काबिलियत है जो इन नक्सलियों का सफाया करने के लिए काफी है, लेकिन अब हम थोड़े से निराश हो रहे हैं। सर, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन के आधार पर चलता है और वो इन्फॉर्मेशन हमें आईबी ऑफिसर्स और स्टेट पुलिस के थ्रू मिलती है, लेकिन वो लोग आजकल हमें इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है। हम तुम्हारी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझते हैं जानकी, लेकिन हमारा बहुत भरोसा है तुम पर कि इस राज्य को इन नक्सलियों से तुम मुक्त करवा सकती हो। सर, माय ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री एंड प्रोटेक्ट इट। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, बट आज हम आपसे वादा करते हैं आगे चल के कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े, जैसे कि किसी चीज का ऑर्डर चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर ताकत की जरूरत पड़े, आप डायरेक्टली हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। लेकिन इन नक्सलियों का सफाया होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, मैं आशा करती हूँ कि अब आपको कभी निराशा नहीं होगी। थैंक यू। गोपाल, मुझे नक्सलाइट्स अफेक्टेड एरिया में चप्पे चप्पे पे सैटेलाइट कैमरा चाहिए और मॉनिटरिंग तुम खुद करोगे। यस मैडम। मुझे एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए। यस मैडम, मिल जाएगा। और सुनो, मुझे अपने लिए कुछ नेटवर्क चाहिए, दे सकते हो? श्योर मैडम, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। नो प्रॉब्लम, बट ट्राई टू मेक इट फास्ट। ओके मैडम। ये है गुरु, ये नक्सलियों का ब्रेन माना जाता है, और ये नैना नक्सलियों की महिलाओं की विंग की कमांडर, और ये गूंगा बोल नहीं सकता मगर इतना खतरनाक कि किसी का गला काटना इसके लिए खेल है, और ये शख्स है इनका लीडर। इनका नाम माणिक चटर्जी है। ये एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे, लेकिन इनके नक्सल से जुड़े होने का कोई पुख्ता सबूत हमारे पास ना होने की वजह से हम चाहकर भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। मिस्टर चटर्जी। जी कहिए। You are under arrest. मेरा अपराध? आप पर इल्जाम है कि आप नक्सलाइट्स के चीफ कमांडर हैं और आप उन्हें नक्सल एक्टिविटीज के लिए गाइड करते हैं। देवी जी, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, ना ही अपराधियों के साथ मेरा कोई रिश्ता है। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षा का प्रचार करता हूँ पूरे प्रदेश में, और गरीब और कुचले हुए लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करता हूँ। ये मेरा धर्म है। अगर ऐसा करना अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। I'm so sorry sir, लेकिन अभी आपको हमारे साथ चलना होगा। Please cooperate. I am sorry madam, but आप ऐसा नहीं कर सकती। आप मानिक सर को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अर्जुन, are you mad? तुम एक नक्सलाइट लीडर को प्रोटेक्ट कर रहे हो? No madam, this is wrong. मानिक सर उग्रवादी नहीं हो सकते।
ये हमारे शिक्षक रहे हैं। इनकी शिक्षा अगर गलत होती तो मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता। मैं अपनी आंखों के सामने गुरु को गिरफ्तार होते हुए नहीं देख सकता। गुरुदेव आप जाइए, मेरे होते हुए कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। पापा, क्या आप माणिक चटर्जी के बारे में जानते हैं? माणिक चटर्जी, प्रोफेसर माणिक चटर्जी कहो, ग्रेट मैन। पापा, आप उन्हें कैसे जानते हैं? मैं प्रोफेसर चटर्जी को कैसे जानता हूं? वो मेरा लास्ट ईयर कॉलेज का था जब प्रोफेसर चटर्जी हमारे कॉलेज में आए। जितना उनके चेहरे पे तेज था उतनी ही उनकी आंखों में करुणा थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो नक्सलाइट ग्रुप के चीफ हैं? किसने कहा तुमसे? किसने कहा कि प्रोफेसर चटर्जी नक्सल चीफ हैं? वो गरीबों के चीफ हैं, वो पीड़ितों के चीफ हैं, वो शोषितों के चीफ हैं। प्रोफेसर चटर्जी ने उनको अपनी आवाज उठाना सिखाया। प्रोफेसर चटर्जी ने उनको अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। जिंदा तो वो पहले भी थे, लेकिन प्रोफेसर चटर्जी ने उनको जीना सिखाया। उनमें इतनी हिम्मत डाली कि वो वर्ग आज स्वाभिमान से अपने आप को देखती है और तुम कहती हो कि वो अपराधी है। अब चंदर आपसे कुछ कहेगा। आओ चंदर, खुश रहो। दोस्तों, पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात और आप सबको बताना चाहता हूं कि हमें अब एक होना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है कि हम टुकड़ों में न लड़कर एक होकर लड़ें। अगर इस जंग को जीतना है तो हमें एक होना पड़ेगा। हमें छोटे छोटे मतभेद भुलाने होंगे, और हमने अगर लाल झंडे को एक बना दिया तो सरकार तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस जंग को जीतने से नहीं रोक सकती। पर हमारा लीडर कौन होगा? हमारा हर कॉमरेड खुद का लीडर है, क्योंकि हम अपने आप को एक सिपाही समझते हैं, और सिपाही का काम होता है सिर्फ और सिर्फ लड़ना। लाल सलाम।
उस मोड़ पे क्यों हम आ गए हैं, जहां मौत ही मौत के रास्ते हैं। उस मोड़ पे क्यों हम आ गए हैं, जहां मौत ही मौत के रास्ते हैं। रह गई जो अधूरी दास्तां, कर दे पूरी एक जरा सी भी दूरी ना रहे अब दरमिया। आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। तुम क्या समझते हो चंदर, कि मैं तुमसे प्यार करती थी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? नो, नेवर चंदर। क्या कहा था तुमने? डायरेक्शन चेंज करोगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये डायरेक्शन चेंज किया है, सबको नक्सलाइट बना दिया तुमने। तुमने कहा था हर हाथ में काम होगा, तुमने तो हर हाथ में बंदूक पकड़ा दी। वाह चंदर वाह, क्या काम किया है तुमने। यही था तुम्हारा विकास का मॉडल, सबको विद्रोही बना दिया तुमने। कैसा मॉडल बनाया तुमने चंदर, ये कैसा मॉडल बनाया। ये पैरेलल गवर्नमेंट बनाना चाहते थे तुम, और ऐसे साम्राज्य की रानी तुम मुझे बनाना चाहते थे। मुझे 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 लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली चंदर, कि ना मुझे ये पैरेलल गवर्नमेंट पसंद है, एंड आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पॉलिसी। हाँ जानकी, हाँ ये सब मैंने किया है। मैंने सैकड़ों लोगों के हाथों में बंदूक थमा दी, जिससे वो अपना हक ले सके। बंदूक हर समस्या का हल नहीं होती चंदर। जब ये होश में आ जाएगा ना, मुझे खबर कर देना, समझे तुम लोग।